ये बात कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, सभी को सुबह की राम राम। मन ठीक, आप मेरे साइड में ये जो वीडियो चलती हुई देख रहे हो, मेरे हिसाब से जो कुछ ले रही हो कि इससे ज्यादा आदमी की नीची सोच कोई नहीं हो सकती। और जो इन लोगों का कसूर सिर्फ इतना है कि इन्होंने जहां पर जो इलेक्शन थे, जो चुनाव थे, वो थे। यहां पर एक ऐसी भाई ने इलेक्शन लड़ने का साहस किया और वो जीत भी गया, तो उसकी जीत इस चीज पर डिपेंड करती है। उसने अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाया कि लोगों ने उसे चाहा और उसे वोट किया, वोट दी और सरपंच बना दिया, और उनको पूरी की पूरी बिरादरी को इस तरह से खेतों से निकालना, यार मेरे को तो सही नहीं लगा। हो सकता है किसी भाई को सही लगा हो और कोई भाई इसे सही भी मानता हो, लेकिन मैं तो इसे सही नहीं मानता। मेरे हिसाब से तो इससे ज़्यादा नीची सोच और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि चुनाव सिर्फ 5 साल के लिए होते हैं। 5 साल बाद फिर से चुनाव आते हैं और फिर आपको इन लोगों की जरूरत पड़ती है, जिनको अब आप ये सोच रहे हो कि इनकी हमें जरूरत नहीं है, इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। 5 साल बाद फिर आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, और फिर अगर वो यही व्यवहार आपके साथ करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? सोच के देखिए, आप अगर इनके घर पर वोट मांगने के लिए जाओ और ये आपको इसी तरह से बेइज्जत करके बाहर निकाल दें, तो कैसा रहेगा? तो यार हमें दूसरों से वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। ये अमीरी गरीबी इसमें कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि वो समय पहले था जब लोग किसी के दबाव में या किसी के कहने पर वोट डाल देते थे, और जैसे कोई दूसरा आदमी कह देता था वैसे चलते थे। आज सभी जागरूक हो चुके हैं, पढ़े लिखे लोग हो चुके हैं, और उनको अपने अधिकारों का पता है, क्या है उनके अधिकार। चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, वोट डालने का अधिकार सबको है, उन्हें हम किसी भी आधार पर इन अधिकारों से वंचित नहीं रख सकते। और उनके साथ ऐसा व्यवहार करना, मुझे तो ये बहुत ही निंदनीय लगा। यार, अगर आप हार गए तो आप ये सोचिए कि आप में क्या कमी थी जो लोगों ने आपको वोट नहीं दिए, या लोगों के दिलों में आप घर नहीं बना पाए। तो उन कमियों को दूर करने की बजाय आप अपने लिए उस खाई को, जो खाई आप खुद खोद रहे हो जातिवाद की, उस खाई को और ज़्यादा गहरा कर रहे हो। यार मुझे तो सही नहीं लगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।